गाइस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और अंदर गोकुल धाम है शायद। हाँ देखो गाइस अंदर गोकुल धाम है। गाइज यहाँ पे सब्जी मंडी का एक्ट में बता रहा था। यहाँ पे देखो गाइज करीना कपूर और कृति सेनन को मैंने देखा था। यहाँ इन लोग की फिल्म शूट हो रही थी, अनरिलीज फिल्म, तो उसमें मैं भी आ गया था गाइज भाजी बेचने के रोल में। और यहाँ पे गाइज दबंगी सीरियल का पूरा शूट हो रहा था, मैंने पूरा शूट होते हुए देखा। ये आप लोग सीरियल में देखना है पूरा मेन रोल, और मैं पूरा देखा था गाइज यहाँ पे कैसा शूट हो रहा था, मतलब इतने टेक लिए जा रहे थे। और यहाँ पे देखो गाइज पूरा ये कंप्यूटर में दिख रहा था कैसी वीडियो बन रही। मैंने आप लोग को ये व्लॉग में सब दिखाया, तो आप लोग एंड तक देखना व्लॉग, आप लोग को बहुत मजा आएगा। वैनिटी में आप लोग अंदर लेके चलता हूँ गाइस, लाइट भी है। ओह ऐसे ही छोड़ दी, पूजा लगाया है मैडम पर, यहाँ चार्ज कम पर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ेदन साइड व्लॉग। आई एम ज़ेदन सर, आई एम बैक अगेन विद अनदर न्यू व्लॉग। सो गाइस आज का व्लॉग हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज गाइस आज हम लोग ऐसी जगह पे जाने वाले जहाँ पे बचपन से हम लोग देखते हुए गाइस टीवी में, मतलब सब सेलिब्रिटी लोग की पिक्चर, बिग बॉस सब देखते हुए गाइस। अभी हम लोग खड़े गाइस गोरेगांव स्टेशन, और आज गाइस हम लोग जाने वाले यहाँ से फिल्म सिटी। आप लोग थंबनेल लेके तो समझ गए रहेंगे, पहली बार जा रहे गाइस हम लोग आज। देखो आज आगे गाइस कैसा रहता है कैसा नहीं, आप लोगों को पूरा टूर दूंगा। वहाँ पे बिग बॉस सेट रहेगा, रियलिटी शो के जितने भी रहेंगे वो सब दिखाएगी। जाके देखिए गाइस कैसी पिक्चर शूट होती है, और अपने को जैसा लगता है गाइस बैकग्राउंड, मतलब पिक्चर एकदम रियल, पिक्चर में रियल दिखता है। यहाँ पे जाके आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसा सेट रहता है, कैसा सब रहता है। तो गोरेगांव आ गए गाइस, अभी बज रहे 3, अभी जाते हैं यहाँ से फिल्म सिटी। और गाइस मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताता हूँ जैसा जाते हैं यहाँ से स्टेशन से उतर के। तो यस चलते हैं, अभी मेरे साथ है फन भाई, साउथ भाई, और अभी चलते हैं यहाँ से। आप लोग देखते रहो व्लॉग और एंजॉय करते रहो, एंड तक देखना। अगर आप लोगों को भी आने का है फिल्म सिटी तो गोरेगांव स्टेशन से ईस्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ से आप लोगों को बस नंबर पकड़ना है 343, जो कि आपको डायरेक्ट फिल्म सिटी के अंदर छोड़ेगी। ऑटो से आप लोग जाओगे तो वो बाहर गेट तक ही छोड़ेगी, और बस जाएगी आपको इधर फिल्म सिटी में लेके। ऑटो रिक्शा से भी जा सकते फिल्म सिटी, और बस से भी जा सकते। गाइस हम लोगों ने ऑटो रिक्शा इसलिए प्रीफर करे बिकॉज हम जा रहे थे किसी के थ्रू, तो हमको एंट्री मिल जाती थी गेट पे। ऑटो से आप लोग जाओगे तो बाहर गेट तक ही ऑटो रुकेगी, और अगर बस से जाओगे तो बस आपको डायरेक्ट छोड़ेगी फिल्म सिटी के अंदर। गाइस अभी पहुंच गए हम लोग, अंदर नहीं जाएंगे अंकल, वो देखो ना रिक्शा जा रही है। देखो गाइज ये बस जो आप लोग देख रहे हैं, इस पे सब सेलिब्रिटीज के फोटो लगे हुए, ये है वो बस टूरिस्ट बस गाइज जो फिल्म सिटी पूरा टूर कराती है, पर पर्सन 1000 रुपीज। गाइज फाइनली एंट्री मिल गई हम लोग को। हम लोग ऐसा किसी से टच से आए, ऐसा डायरेक्ट नहीं आए, ऐसा घूमने अलाउड नहीं करते गाइज, अंदर जाने नहीं देते। और देखो पूरा जंगल है, अलाउड नहीं देता अंकल ऐसा अंदर। हाँ तो दिख रहे ना ये सब सेट है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे गांव में जंगल रहते ना वैसे जंगल है। बाकी अभी और अंदर जा रहे हैं हम लोग। हाँ गोकुलधाम सोसाइटी जेठालाल, तारक मेहता, तारक मेहता। गाइस देखो ये सब सेट है जो बने हुए ना, ये सब सेट है, इसके अंदर ही शूटिंग होती है। देखो ये रिक्शा में हम लोग आए थे, अभी उतर गए, ये दूसरा गेट है। अगर हम लोग गेट पे अटकते ना गाइस तो अंदर, हाँ भाई किसको भी आने नहीं देते ना, नहीं आने देते, 1000 रुपए एंट्री है भाई। हाँ और किसको भी अलाउड नहीं है, वो तो हम लोग ने फोन, ये अंदर था इसको फोन करके बुलाया तो पुलिस वाला माना, ऐसा गाइस किसी को अलाउड नहीं है। अगर आप लोग को आना है तो 1000 रुपए का पर पर्सन है, बस पूरा टूर कराती है। लेकिन आज ओवेस भाई अपने को पूरा टूर अच्छे से कराएगी। तो अभी भी गाइस हम लोग को अंदर आने नहीं देते थे बिकॉज अलाउड नहीं है, सेक्शन गर्म है और आज संडे का भी दिन है। ये बस के अंदर बिठाते और पूरा दिखाते, लेकिन आप लोगों को उतरने नहीं मिलेगा, कोई मेन मेन स्पॉट पे ही उतरने मिलेगा जहाँ पे शूट बंद हो। लेकिन अभी यहाँ से ओवेस के साथ आए हम लोग, तो हम लोग को पूरा अच्छे से देखने मिलेगा। तो वही आप लोगों को गाइस आज ब्लॉग में बहुत अच्छी चीज देखने मिलने वाली है पार्किंग में। हाँ। फिर पार्किंग से उतारते, टूर गाइड साथ में रहता, वो गाइड सब करते रहता है। हाँ देखो गाइस इन लोग सब आए हुए टूर में ही आए। देखो वहाँ पे शूटिंग चालू है, और अभी देखो यहाँ पे वैनिटी भी खड़ी है। ऐसे देखो यहाँ पे शूटिंग के लिए तैयारी चालू है, शूट करने के लिए बेंच वेंच तैयार कर रहे हैं गाइस। देखो वैनिटी भी, वैनिटी में जाके भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। जूनियर आर्टिस्ट के लिए भी है क्या? नोवेस भाई जूनियर आर्टिस्ट है। अरे आ गया, आ गए, कब से हम लोग लॉगर की वेट कर रहे थे। सबकी सबकी ऐसी ही रहती है वैनिटी भी, तो तुम लोग के लिए ऐसी अलग, सबकी अलग अलग रहती है। बाजू में अपने आर्टिस्ट की है। अच्छा मेन आर्टिस्ट है, जो मेन आर्टिस्ट है अपने से उसकी बाजू में, तो इसमें तुम लोगों को सब पैसे नहीं देते। गाइस देखो जूनियर आर्टिस्ट लोग को भी मतलब रहती है यहाँ पे वैनिटी अलग से देते हैं, और ये ओवेस भाई अपने जूनियर आर्टिस्ट है। गाइस देखो लाइटिंग वीटिंग सब है, पूरी वैनिटी जैसा रहती है ना रियल में। आप लोग तो बहुत जन देखे होगा, और जो नहीं देखा व्लॉग बना रहा उन लोग के लिए, जो लोग नहीं देख पाते फिल्म सिटी, तो उन लोग के लिए आज मैं पूरा टूर दूंगा। रूम भी दिखाएंगे, वॉशरूम भी है जूनियर आर्टिस्ट के लिए, और क्या चाहिए, सब सभी तो है यार। ये आर्टिस्ट एसी सब चालू है, और ये जैसा रहता है, तो अभी चलते हैं बाहर गाइस, देखेंगे बस घूमेंगे।
ये बस है गाइस, ये घर नहीं है। गाइस देखो यहाँ पे शूट था दबंगी सीरियल का जो सोनी टीवी पे आता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरा शूट कवर किया। गाइस कैसा शूट करते, मैंने पहली टाइम देखा लाइफ में कि ऐसा शूट होता है और इतने रीटेक ले रहे थे ना गाइस। आगे आप लोग देखो गाइस, ये देखो यहाँ पे पूरा सीन चल रहा है सीरियल का। और देखो मेरे गाड़ी खड़ी है और एक्टर वो है और एक्ट्रेस ये है, वो ये जो एक्शन कर रहे हैं। देखो लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई है गाइस, वो कैमरा देखो कैसा चल रहा है। आगे आई गाइज, इतने रीटेक हो चुके हैं लिटरली। मैं जब से यहाँ से यहाँ पे बैठा हूँ ना गाइज, पांचवा छठा रीटेक देख रहा हूँ। इन लोगों की मेहनत भी गाइज बहुत रहती है। तुम सामने देखे गाइज तो अलग लगेगा और सीरियल देखेगा ना जाके बाद में तो अलग दिखेगा। पता चला सीरियल में भाई भी आ गया, इधर बैठा हूँ पीछे। लेट हो गए गाइस, कितने रीटेक ले रहे हैं। और देखो इन लोग सब ऐसा एक्ट कर रहे गाइस, गाड़ी इधर से उधर लेके जा रहे। बस यहाँ पे पूरा प्रोडक्शन है, देखो वहाँ पे माइक भी रखी हुई है। और देखो इन लोग सब गाइस जितने भी ना, ये लोग सब 1000 रुपीज दे के आए गाइस। इन लोग टूरिस्ट लोग है, एक्टर एक्ट्रेस देखो इन लोग ही है। इन लोग दोनों इतनी वायरिंग है गाइस, देखो यहाँ पे कितने कैमरे हो रहे हैं सब, लाइट वीट बहुत गाइस, बहुत करना पड़ता है। ये देखो गाइस ये उड़ने लग गया। ये देखो इन लोग पेरिस से है, फॉरेन कंट्री से। और देखो एक्टर्स के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, मैं भी खिंचवा सकता हूँ, लेकिन देखो फर्क क्या है, मतलब ये लोग से पैसा अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं आने का। और वो जो बस में लेके आते हैं ना उन लोग पैसा लेते हैं। और देखो ये लोग सब बस वाले ही हैं। सीरियल का नाम है दबंगी, जो कि रोज आता है सोनी पे। तो इसका मैं आप लोग देखना, अगर आप लोग जाके देखेंगे तो एपिसोड चालू है इसके। इसका नाम दबंगी, अभी मैंने पूछा सोनी चैनल पे आता है। उसके बाद जाएंगे और भी जगह देखेंगे, और भी सब तारक मेहता ये वो जो जो सेट है सब पे देखेंगे। पेरिस है, फिल्म सिटी देखने गाइस। मुंबई अपनी कम नहीं है, अपन खुश नसीब है जो मुंबई वाले अपन, वरना बाहर वाले लोग तो यहाँ पे आने के लिए तरसते हैं। पहली बार देखा गाइस जैसा रियल में शूटिंग होते हुए। देखो ढोल कैसा नकली बजा रहे, रियल नहीं बजा रहे। और ये गाइस पूरा शूट है ये, आप लोग देखना अगर सीरियल आप लोग को देखने गए पूरा तो गाइस बहुत मजा आ रहा है देख के, ऐसा रियल शूट हो रहा है। गाइज यहाँ पे मैंने शूटिंग का सब कैप्चर कर लिया। देखो गाइज ये कैमरा जो था ना, इसमें ही लेंस लगी हुई थी और बहुत सारी लेंस लगी हुई थी। और ये देखो गाइज कंप्यूटर में पूरा क्लियर सीन दिख रहा था, मतलब जो पूरा बन के आ रहा है ऐसा आप उन देखते टीवी में। गाइज ये दबंगी का शूट तो इतनी देर से चालू है, शूट पे शूट ले रहे, शूट पे शूट, लेकिन गाइज कंफर्म हो रहा ही नहीं है। तो अभी तो मैं गाइस देखो इसी फिल्म सिटी में घूम रही हूँ अकेला। फिल्म सिटी ना गाइस देखो सब शूट चलता ही रहता है यहाँ पे, हरदम शूट चलता ही रहता है कोई ना कोई चीज़ का। ये देखो गाइस ये वही रोड है जहाँ पे गोकुल धाम की शूटिंग होती है गाइस। वो रिक्शा विक्शा का टेक रहता है ना गाइस, जहाँ से वो जेठालाल ऐसा हाथ दे के रिक्शा विक्शा रुकाता है, वो यही रोड रहता है गाइस। देखो यही रोड है, ये बैकग्राउंड देखने मिलता रहेगा आप लोग को याद रहेगा तो, यही जगह रहती है गाइस। अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो यही बैकग्राउंड रहता है, यहीं से जाते। ये देखो गाइस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये गाइस ये नया सीजन जो शुरू है ना जेठालाल का, तो उसमें यही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो यहाँ पे पूरा सेट बना हुआ है गाइस, देखो फिल्म सिटी में ही है अंदर, ऐसा कहीं बाहर भी नहीं है। ये देखो ये गाइस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है और अंदर गोकुल धाम है शायद, पता नहीं। हाँ देखो गाइस अंदर गोकुल धाम है, मैं बोला ही और अंदर यही था गोकुल धाम अंदर। गाइज अंदर एंट्री तो नहीं दिए, लेकिन गाइज अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे वो व्लॉग भी बनाना चाहिए गोकुल धाम सोसाइटी के अंदर का पूरा सेपरेट शूट करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा वो पूरा पूरा सेट कैप्चर करने की, तो आप लोग कमेंट में बताओ मैं कैप्चर करूंगा। फिर गाइज मैं वहां से चले जाता हूं, एक पिक्चर की शूटिंग वही साइड में हो रही थी। यहां पे गाइज करीना कपूर और कृति सेनन आए हुए थे, यहां देखो ऐसा मंडी का पूरा लगाए हुए थे गाइज, और मैंने उन लोग को देखा भी और मैंने कैप्चर भी करा। और गाइज ये अनरिलीज मूवी है, ये मतलब मूवी अभी शूट हो रही आई नहीं है। और यहां पे गाइज मैं भी खड़े हो गया था भाजी बेचते हुए, मैंने भी यहां पे खड़े होकर रोल दे दिया था अपना। ये पिक्चर जब आएगी तो मालूम पड़ेगा कि पिक्चर में मैं आया हूँ क्या नहीं। इसमें ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है और सोसाइटी भी पूरी इसमें ही है। फिर मैं आ जाता हूँ वहाँ से कपिल शर्मा शो के सेट पे, यहाँ पे गाइस वैनिटी खड़ी थी और इसमें सब स्लैब्स लोग थे। और गाइस बाहर से कुछ ऐसा दिखता है कपिल शर्मा के शो का सेट, अंदर से तो आप लोगों ने टीवी में देखे होंगे गाइस, बाहर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। और मेरे को सुनाई दिया था गाइस यहाँ पे कि रोहित शर्मा आया हुआ है, तो ये जो रेंज रोवर खड़ी ना गाइस 0009, ये रोहित शर्मा की थी गाइस। देखो यहाँ पे पूरा शूट हुआ था और मैंने आप लोगों को क्लिप खड़े में दिखाया, यहाँ पे शूट करने दे रहे नहीं थे। देखो गाइस पूरी एक क्रेन व्रेन से शूट करते हैं। और ये सब भाजी वीजी गाइस लगा है ना, ये सब शूट थी, पिक्चर की शूट थी, मैंने आप लोगों को दिखाया। करीना कपूर कृति सेनन इन लोग सब थे लेकिन शूट करने दे रहे नहीं थे। यहाँ पे आके मैं खड़े भी हो गया था, बनाने नहीं दिए। और गाइस यहाँ से ना यहाँ से सब लोग भाग रहे थे, वो तीनों का जो शूट था। मैं यहाँ पे भाजी ले रहा था ना, ये वाली दुकान थी, कहाँ से वहाँ से मैं आऊंगा आप लोग, लेकिन कैमरा एक उधर था, कैमरा उधर था लास्ट में और एक बीच में था।
बाकी वो खड़ी वीडियो में आया, आड़ी वीडियो नहीं बना पाते बिकॉज बॉडी गार्ड ओडी गार्ड भी बहुत थे, वो यहाँ तक आ गए वो तो बड़ी बात है, वरना तो नहीं आ पाते थे। और वो शूट भी ना गाइस बहुत मुश्किल से हुई, जो खड़ी वीडियो की शूट थी वो भी बहुत मुश्किल से हुई। यहाँ पे हर जगह सब पे नजर यही थी कि मोबाइल तो कोई नहीं लाया है और यहाँ पे खाली भाजी बेचने का रोल था, तो आप लोग ने देखे। फिर गाइस रात का टाइम हो गया था, तो मैंने एक बार वापस से गूगल धाम सोसाइटी में जाके देखो पतरे उतरे में से मोबाइल डाल के कैसे भी शूट करके थोड़ा सा लिया। देखो गाइस ये अब्दुल की दुकान। अभी गाइस रात हो गई थी तो सब एक्टर्स पैकअप करके अपने अपने घरों पे चले गए थे। और ये मैंने देखो गाइस कैसा सुरंग में हाथ डाल के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लिप लिया था। ये दुकान गाइस अंदर ही है। गाइस देखो रोहित शर्मा आया इधर। गाइस देखो रात में देखो फिल्म सिटी गाइस देखो कितनी डेंजर दिख रही है, मतलब पूरा अंधेरा है गाइस, एकदम सुनसान सड़क है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बिग बॉस के सेटअप पे। देखो गाइस पैकअप होने के बाद यहाँ पे सब ऐसा होता है। गाइस देखो ये भी बिग बॉस है, ये मराठी है, ये देखो कंटेस्टेंट ही बने हुए यहाँ पे, मराठी बिग बॉस है। और गाइस यहाँ पे ना पूरा मतलब फिल्म सिटी जो है ना पूरा जंगल में। और गाइस अभी जा रहे हैं सलमान खान के वाले बिग बॉस में, हिंदी बिग बॉस में, ये मराठी था और यहाँ पे तेलुगु मराठी सब है। यहाँ से शायद सेलिब्रिटी लोग की एंट्री होती है। गाइस देखो यहाँ पे है हिंदी बिग बॉस जो सबसे फेमस है, पॉपुलर गाइस, मेन पॉपुलर। हाँ देखो गाइस जो मुनव्वर फारूकी ये बार ना यहीं से निकले थे, ये देखो ये वाले गेट से बिग बॉस सलमान भाई का ये वाला है गाइस देखो। और यहाँ पे वैनिटी खड़ी होती होगी, यहाँ पे पूरा मतलब गाइस सब सेट यहीं पे ही है। घर आप लोग ने अंदर से तो देखे ही है, अंदर से घर देखे आप लोग ने कैसा था, बाहर से देखो ऐसा है। और गाइस जैसा सोचते ना आप उनके हिसाब कई बाहर की शूटिंग रहेगी, कुछ बाहर वाहर नहीं रहेगा, देखो सब ऐसे ही रहते हैं, सेट बने हुए रहते हैं, ये सेट बना हुआ है पूरा। ये एक गेट है और फिर एक यहाँ पे भी गेट है, एंडमल शाइन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, बिग बॉस का वो भी है, देखो पोस्टर भी बना हुआ है। ये गाइस बिग बॉस बस बॉलीवुड मुंबई फिल्म सिटी टूरिस्ट बस बनी। देखो वो जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया ना शूटिंग जो चालू थी, का नाम था दबंगी, दबंगी। तो गाइस देखो वो आर्टिस्ट का नाम था आर्या। वैनिटी में आप लोग अंदर लेके चलता हूँ गाइस, कैसा था आ जाओ छोड़ दिए मैडम पर यहाँ चार स्कूपर लगना चाहिए क्योंकि तुमने आधे घंटे विंडिस तोड़ा। ये देखो गाइस पूरी स्क्रिप्ट है, युग आर्या आर्या। ये देखो गाइस इधर बैठने बैठने में सब है। एक वैनिटी में गाइस देखो तीन रूम बना है, जूनियर का अलग, तीनों अलग अलग गाइस, एक ही वैनिटी में तीन सेपरेट बना है। तो ऐसा रहता है इस फिल्म सिटी में। और आप लोग ने पूरा देख ले सिटी के अंदर ही बस स्टॉप है गाइस, वहां से फिर हम लोग ने 343 बस नंबर से सीधा गोरेगांव स्टेशन तक चले गए। 10 पर टिकट था गाइस, डायरेक्ट आप लोग गोरेगांव स्टेशन तक पहुंचाएगी। तो गाइस अभी बज रहे शाम के मतलब रात के 8:30 फिल्म सिटी से आ गए गाइस। आप लोग ने देखे आप लोग ने गाइस, मैंने ना गाइस कृति सेनन और क्या नाम है उसका, करीना कपूर कृति सेनन करीना कपूर और एक कोई हीरोइन थे गाइस, उनको मैंने सामने से देखा। वो क्लिप भी आप लोगों को मैंने दिखाया स्टार्टिंग में, लेकिन वो ऐसा खड़ी आई, मैंने आड़ी नहीं बनाया, जेब में रख के बनाया था मैंने वीडियो। और वो पिक्चर में गाइस मैं भी आऊंगा शायद, बिकॉज मैं ऐसा भाजी बेचते खड़ा था, भाजी ऐसा बेच रहा था अंकल के साथ। तो आएगी देखना आप लोग, पिक्चर आएगी तो मैं भी देखूंगा। आपको फिल्म सिटी का ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा, मैं गाइस कोशिश करूंगा कि एक और ब्लॉग बनाऊं यहाँ का सेपरेट कोई अच्छी सेट का। तो आपको मैंने पूरी वैनिटी सब दिखाया, आई होप आप लोग ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा। और आपको कैसा लगा इस कमेंट में बताना, और मेरे को क्या बनाना चाहिए फिल्म सिटी का वो भी मेरे को कमेंट में बताना। तो आई होप आप लोग अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। और आज का ब्लॉग एंड करते गाइस मुंबई लोकल में, मुंबई वाले गाइस 126 करोड़ नसीब वाले गाइस मुंबई लोकल वाले। और कितना लाइक चाहिए भाई, लाइक चाहिए गाइस जितना आप लोग लाइक दो, प्यार दो गाइस आप लोग, बस प्यार दो। व्यूज भी आप लोग गाइस चैनल शेयर करो, वीडियो शेयर करो। व्यूज कितना चाहिए, जितना पब्लिक देगी जल्दी मिलेगी गाइस नए ब्लॉग के साथ। 50 पीस जल्दी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। कितनी चाहिए लाइक, 50,000 और व्यूज, 50,000 चाहिए और लाइक भी 50,000, व्यूज भी 50,000, लाइक भी 50,000 गाइस जितना आप लोग प्यार दो गाइस। बस ट्रेन रुकी हुई है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, ट्रेन बहुत थक गए गाइस आज। ये देखो साउथ भाई